myself Dr. Shravan Kumar Chaudhary, working as a consultant neurophysician at Manipal Hospital, Jaipur. हर साल 17 नवंबर को हम नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं. नेशनल एपिलेप्सी डे पर हम लोगों को एपिलेप्सी से रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं, उसका ट्रीटमेंट है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए एजुकेट करते हैं. इस साल 2022 को भी हम एपिलेप्सी डे मनाने जा रहे हैं, तो मैं आपसे एपिलेप्सी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो शेयर करूँगा. एक्चुअली एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एंड सीजर, इसको हम फिट, मिर्गी का दौरा ये भी बोलते हैं. एपिलेप्सी वो है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इससे फिट आ जाता है, दौरा या ताण आ जाती है. इसको पहचाने कैसे? एपिलेप्सी में तीन तरह के सिम्टम होते हैं. एक जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, में जिसमें बड़ा दौरा आता है, पूरी आंखें ऊपर चली जाती हैं, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, दांत पिस जाते हैं, मुंह में झाग आ जाते हैं और कई बार लेटिन और पेशाब हो जाता है, जिसको हम ग्रैंड मैल या जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं. दूसरी तरह के एपिलेप्सी हम बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी. फोकल एपिलेप्सी में कोई एक हाथ या पैर में झंझनाहट होती है, हाथ या पैर के अंदर सिर्फ झटके लगते हैं या मुंह पे छोटे छोटे ट्विचिंग होते हैं. एंड थर्ड टाइप के सीजर होते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या फोकल डिसकोग्निटिव सीजर बोलते हैं, जिसमें पेशेंट थोड़ी देर के लिए गुम हो जाते हैं, कि बिल्कुल सराउंडिंग से कट जाते हैं, आई ब्लिंक करते हैं, चेविंग मूवमेंट करते हैं और फिर वापस कुछ सेकेंड्स के बाद में नॉर्मल हो जाते हैं. जहाँ तक एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट का सवाल है, अगर इनमें से कोई भी तरह के सिम्टम आपको या आपके जानने वाले को हों, तो आप नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करें. एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी के दौरे हो क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रेन इमेजिंग मतलब सीटी एंड एमआरआई करते हैं और ईईजी टेस्ट करते हैं. ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सीटी एमआरआई में क्या आया है, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मीन्स एपिलेप्सी को रोकने वाली दवाइयाँ, और दूसरी जो बैकग्राउंड इटियोलॉजी है, जिस वजह से ये दौरे आ रहे हैं, जैसे कोई ब्रेन के अंदर क्लॉट है, ट्यूमर है, पुराना चोट का निशान है, पहले लकवा हो रखा है, तो उससे रिलेटेड मेडिसिन देते हैं. जहाँ तक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का दवाइयों का सवाल है, हम शुरुआत यूजुअली एक ड्रग से करते हैं और सब पेशेंट को सेम ड्रग काम नहीं करती. इसके लिए हम पेशेंट की एज, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, फ्यूचर में प्रेगनेंसी का प्लान तो नहीं है और उसके अदर कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग का सिलेक्शन करते हैं. ड्रग से रिलेटेड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पेशेंट को सेडेशन होना, थोड़ा कंसेंट्रेशन का कम होना और ब्रेन फॉग लाइक सिम्टम, पर मोस्ट ऑफ सिम्टम टाइम के साथ में कम हो जाते हैं. दो एडवर्स इफेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सीरियस एडवर्स इफेक्ट के रूप में लेते हैं, जैसे अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दिया और दवाई से रिलेटेड बॉडी पे रैश हो गए, पूरी बॉडी पे लाल लाल दाने हो गए, जिसको हम ड्रग रिएक्शन कहते हैं ये, और अगर पेशेंट को नेगेटिव आइडिया या सुसाइडल थॉट आती है, तो इन दोनों में से कोई भी सिम्टम होने पे इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसमें हम ड्रग को चेंज करने या बंद करने की सलाह देते हैं. अब कई बार पेशेंट को एक या दो ड्रग से सीजर कंट्रोल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ नए ऑप्शंस भी आजकल आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है एपिलेप्सी सर्जरी एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन. एपिलेप्सी सर्जरी के अंदर ब्रेन का इमेजिंग और मैग इमेज होता है, उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कौन से हिस्से से सीजर आ रहा है, और उस हिस्से को छोटी सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिससे सीजर पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं. जहाँ तक अगर अपने किसी मिलने वाले फैमिली या फ्रेंड को सीजर है और अपने सामने दौरा आ गया, तो नियर बाई पर्सन को क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके बारे में अपने को कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे अगर किसी को दौरा आ गया, तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप उसको साइड में एक करवट दिलवा दें, जिससे अगर मुंह से फ्रोदिंग हो रही है या वोमिट हो रही है, तो फेफड़े में नहीं जाए. कभी भी पेशेंट का नाक बंद नहीं करना चाहिए,
मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। ये दो मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है वो करते हैं कि नाक बंद करते हैं जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और कई बार मुंह में पानी डाल देते हैं जिससे वो फेफड़े के अंदर चला जाता है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क रह जाता है। जहाँ तक एपिलेप्सी पेशेंट के खुद के सेफ्टी का सवाल है, हम उनको बोलते हैं कि आप ड्राइविंग को अवॉइड करें, स्विमिंग को अवॉइड करें, और ऐसी जगह पे नहीं जाएं जहाँ अगर दौरा आ जाए तो आप सेफ नहीं रहें, जैसे पेड़ पे चढ़े हुए हैं आप, छत के कोने पे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि एपिलेप्सी से रिलेटेड इंजरी को अवॉइड किया जा सके। ड्रग्स के अलावा हम एपिलेप्सी के पेशेंट को कुछ और सलाह भी देते हैं कि हमेशा एपिलेप्सी के पेशेंट को नींद पूरी लेनी चाहिए, और ज़्यादा फ्लैशेज ऑफ लाइट वगैरह है उनको अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम रखना चाहिए। सो एपिलेप्सी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मैं समझता हूँ मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, और आप इस पर अमल करेंगे तो निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।